नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं वीके शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज से मूल विधि की कक्षाएं आपकी प्रारंभ की जा रही हैं। एक जरूरी सूचना है दोस्तों, यूपीएसआई के लिए क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि स्क्रॉल बार में नीचे डिटेल दिए गए हैं। उन डिटेल को फॉलो करते हुए आप अपनी एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और सेलेक्शन के लिए जो है आप अपनी सीट को सुरक्षित कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आज से स्टार्ट करेंगे मूल विधि की पहली कक्षा। जैसा कि मूल विधि में पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, कि इस पूरे संहिता से प्रश्न नहीं आने हैं, इस संहिता के कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, कुछ चुनिंदा जो है चुने हुए टॉपिक हैं जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके पहले हम आपको भारतीय दंड संहिता का एक जनरल ब्रीफ बता देते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता कब बनी, क्यों बनाई गई, जरूरत क्या बनी, कौन से विधि आयोग के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था और उस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न बहुत इजी होता है और यहीं से पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता जो है वो सन 1860 में, यानी 6 अक्टूबर, ये डेट आपको याद रखना है दोस्तों, 6 अक्टूबर सन 1860 को बन के तैयार हुई। कब तैयार हुई, 6 अक्टूबर 1860। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और इसके इन्फोर्समेंट की डेट, यानी लागू होने की डेट क्या है, इन्फोर्समेंट की डेट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है इसकी वो 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को ये लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रारूप था किसका, इंडियन पिनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप था वो प्रारूप जो है प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो है वो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों। और भारतीय दंड संहिता का प्रारूप ये जो बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ था, 6 अक्टूबर सन 1860 को, ये डेट याद रखना है आपको, 6 अक्टूबर 1860 को। और ये लागू कब हुआ है पूरे देश में, ये 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य में इसका इन्फोर्समेंट नहीं है, J&K ये लागू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय दंड संहिता कब बनकर तैयार हुई, 6 अक्टूबर 1860 को, लागू कब हुई, 1 जनवरी सन 1862 को, इसका इन्फोर्समेंट यानी ये लागू कहां कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आईपीसी का जो प्रारूप था वो किसके द्वारा सुझाया गया था, तो प्रथम विधि आयोग के द्वारा सुझाया गया था। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करते हैं आपको। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि एक जनरल ब्रीफ इस बात का देते हैं कि ये आईपीसी में कुल चैप्टर कितने हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके यहाँ कि आईपीसी में कुल चैप्टर कितने हैं और कुल धाराओं का संकलन कितना है, कितनी धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, तो कुल 23 चैप्टर 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं, 23 चैप्टर भारतीय दंड संहिता में, कुल 23 अध्याय और 511 धाराओं का संकलन किया गया। ये हमारा पूरा का पूरा भारतीय दंड संहिता जो है वो 23 चैप्टर में, 23 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, 23 अध्याय और साथ ही साथ 511 धाराओं के साथ इसको जो है वो संकलित किया गया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए
अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो भारतीय दंड संहिता में इंपॉर्टेंट है वो है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद, ये आपका चैप्टर 4 में दिया गया है, जिसके बारे में यहां पर हम आपको दिखा दे रहे हैं सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 95 तक। सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 95 तक साधारण अपवाद दिए गए हैं भारतीय दंड संहिता में। ये साधारण अपवाद क्या कहलाते हैं? ऐसे अपवाद जिसके थ्रू आप कोई कार्य कर देते हैं, जिसके द्वारा यदि कोई कार्य आपके द्वारा कर दिया जाता है, हो जाता है, तो वो कार्य क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं। जैसे सपोज करिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अभी डिटेल में आगे चलते हैं, एक एक सेक्शन पर चलेंगे। पहले एक एग्जांपल देते हैं, साधारण अपवाद कहते किसे हैं। जैसे मान के चलिए ये एक मकान की श्रृंखला है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है हमको, एक बार क्लैरिफाई हो जाएगा तो फिर कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मकान की श्रृंखला है, एक मकान ऐसे लाइन से बने हुए है, ये मैंने एग्जांपल के लिए 4 किया है, 5, 6, 7, 8, 10 कई कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सपोज करिए इस बिल्डिंग में, इस वाली बिल्डिंग में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यहां पर सारे मकान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मे बी प्रोबेबिलिटी है कि इधर भी आग आ जा सकती है और इधर भी फैल सकती है। इस आग को बचने से लिए, फैलने से लिए, मान लीजिए इधर आग फैलना शुरू हो गई और इधर आग फैलना शुरू हो जाए, तो मान लीजिए यदि ये मकान आप बीच से तोड़ देते हैं, क्यों, ये क्या कहती है, अगर आपने यहां से ये मकान तोड़ दिया तो आग को फैलने से आप आगे और चीजों को बचा सकते हैं, बचा सकते हैं ना। तो ये क्या कहलाता है, आवश्यकता का सिद्धांत, थियरी ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी कार्य के द्वारा किसी कार्य को बचाया जा सकता है, किसी कार्य के द्वारा किसी दुर्घटना या घटना को बचाया जा सकता है, तो दोस्तों वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या किसी का घर तोड़ना अपराध नहीं है? बिल्कुल, इट इज एन ऑफेंस। बट यहां पर क्या है, यहां पर नेसेसिटी है। किस बात की नेसेसिटी है? यहां पर इस बात की नेसेसिटी है कि यदि इस मकान को तोड़ दिया गया तो आग को फैलने से नहीं, आगे और जो नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उस डैमेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस डैमेज को आप बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ नेसेसिटी। तो इसी तरह से बहुत सारी सेक्शन में चीजें आपको मिलेंगी। एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, मान के चलिए कोई 10 मंजिला इमारत है, ठीक है, 10 मंजिला इमारत है, उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण क्या होता है कि कोई एक बच्चा जो है वो छत की सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पर फंसा रहता है, एक व्यक्ति को पता चलता है और वो जो है उस बच्चे उसको बचाने के लिए ऊपर छत पर पहुंचता है, और जब छत पर पहुंचता है तो पता चलता है कि जो एंट्री तो कर लेता है, लेकिन एग्जिट जब करने लगता है, बाहर आने लगता है, तो बाहर आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। नीचे कुछ लोग जो है जाली बिछाए या किसी प्रकार का जो है चादर वगैरह वो बिछा के वेट कर रहे हैं कि चलो एक काम करो, आप बच्ची को इसमें फेंक दो, हम उसको कैच कर लेंगे, ठीक है। वो ऊपर से उस बच्ची को उस जाली में फेंकता है, उस चादर में फेंकने का प्रयास करता है, परंतु वो क्या होती है कि वो बच्ची जो होती है, वो जो बालक होता है, वो कहीं और पर गिर जाता है, और गिरने के कारण उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो क्या यहां पर उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसने उसको फेंका था? नहीं। एक चीज हम आपको बता दें, कभी भी कोई भी कार्य जब तक मोटिव, जब तक आपका इंटेंशन, जब तक आपका गलत ना हो, मैलाफाइड इंटेंशन ना हो, तब तक आपके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता है। यानी आपके कार्य के पीछे, आपके कार्य के पीछे आपका इंटेंशन दोस्तों वो महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखने की बात है। यदि हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, यदि हमारा इंटेंशन जो है वो मैलाफाइड नहीं है, बुरा नहीं है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। मान के चलिए एक एग्जांपल देते हैं, आप किसी की जेब में हाथ डालते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर जेब में बंदूक रखी थी किसी की, और गलती से ट्रिगर दब जाता है और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या यहां पर आप हत्या के लिए जिम्मेदार होंगे? क्या आपने हत्या का अपराध किया है?
जी नहीं, आपने हत्या का अपराध नहीं किया है। आप मैक्सिमम यहां पर किस अपराध के लिए दोषी पाए जा सकते हैं? चोरी के प्रयत्न के लिए। आपका इंटेंशन क्या था, किस इंटेंशन से आपने वो काम किया, वहां पर महत्वपूर्ण ये होता है। क्या आपका इंटेंशन उस व्यक्ति की जान लेना था? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन आपका क्या था, उस व्यक्ति की पॉकेट मारना, चोरी करना। ठीक है, तो चोरी करने की आशय से आपने उसकी पॉकेट में हाथ डाला। तो यहां पर कोई भी कार्य अपराध कब माना जाता है? अपराध तब माना जाएगा दोस्तों जब वह गलत इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ किया जाता है, तभी आपके द्वारा किया गया आप कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा, अदरवाइज वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक साधारण अपवाद का हमने आपको एग्जांपल दिया कि साधारण अपवाद कहते किसे हैं। ठीक है, साधारण अपवाद भारतीय दंड संहिता की चैप्टर 4 में बताया गया है, जिसका कलेक्शन है धारा 76 से लेकर धारा 95 तक, 76 to 95। अब हम एक एक सेक्शन को एलोबोरेट करते हैं और डिटेल में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। धारा 76, एक एक धारा को आपको जो है वो लिखते चलना है। हम आपको केवल इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो भी हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जहां से प्रोबेबिलिटी है कि प्रश्न बनेंगे, वहीं से पढ़ने की आवश्यकता है। अननेसेसरी की चीजों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जहां से प्रश्न चांसेस हैं, अब जैसे मान लीजिए अगर आज हम साधारण अपवाद पढ़ लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो कल आपको 15 से 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले पर हम प्रोवाइड करा देंगे और उसको सॉल्व करा देंगे 10 से 15 मिनट में। तो आपका एक रिवाइज जो है वो पूरी चीजें वो रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए धारा 76, विधि द्वारा आबद्ध। ये धारा 76 की हेडिंग है, विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, आबद्ध होते हुए होते हुए किया गया कार्य कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, धारा 76 कहती है कि विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। इफ एनी पर्सन इज बाउंड बाई लॉ हैज डन एनी वर्क, इट इज नॉट एन ऑफेंस। मीन्स यू शुड हैव टू बाउंड बाई द लॉ, आपको विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए। आबद्ध का अर्थ क्या होता है, विधि द्वारा आबद्ध का मतलब क्या होता है? ठीक है, बाउंड बाय लॉ, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा, में आ जाएगा कि विधि द्वारा आबद्ध का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम, इस तरफ आ जाइए। मान लीजिए ये ए है महोदय, ठीक है, ए महोदय है, इन्होंने क्या किया है, ये एक पुलिस ऑफिसर है, इज एन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर है, इनके नाम एक, इनके नाम जो है एक वारंट इश्यू हुआ था कि आप बी को पकड़ के ले आइए। ठीक है, बी को पकड़ कर ले आइए, ये इनके लिए एक वारंट इशू किया गया था। जिस मोहल्ले में बी रहता था, जहां पर बी रहता था, वहीं पर बी नाम का एक व्यक्ति और रहता था। ऐसा होता है कई गांव में, मोहल्ले में एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं। ठीक है, यहां पर इस पुलिस वाले की ड्यूटी क्या थी, बी को अरेस्ट करना, किन किस बी को, ये इनके नाम वारंट इशू था, लेकिन गलती से उसने क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया। मान लीजिए इनका भी नाम श्यामलाल था और इनका भी नाम श्यामलाल था, पिताजी का भी नाम कोइंसिडेंट सेम था, लेकिन मकान नंबर अलग अलग थे। ठीक है, तो यहां पर अब मकान नंबर को उसने वेरीफाई करना उचित नहीं समझा, तो उनको पकड़ना था ए बी महोदय को, और पकड़ ले जाते हैं इनको। ठीक है, और जब पकड़ कर ले जाते हैं वहां थाने में, तो पता चलता है कि यार आप गलत व्यक्ति को पकड़ ले आए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मींस वहां पर यह लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा आबद्ध प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
तो यहां पर यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी सफिशियंट ग्राउंड के आपने अरेस्ट कर दिया, तो उस व्यक्ति के क्या आपने किया है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता का हनन कर दिया आपने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है हमारा, स्वच्छंद घूमते हैं, स्वच्छंद घूम सकते हैं, कहीं पर भी आना और जाना हो सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 21 हमको इस बात की गारंटी देता है। पर यहां पर यदि आपने किसी व्यक्ति को अननेसेसरी गिरफ्तार कर लिया, तो क्या ये पुलिस अधिकारी इस अपराध के लिए जिम्मेदार है या पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया कार्य अपराध होगा? नो। धारा 76 यहां पर इस पुलिस अधिकारी को इस बात का प्रोटेक्शन देती है, संरक्षण देती है कि यदि आप विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई कार्य कर देते हैं, विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई कार्य कर देते हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और आपको इसके संबंध में पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं कल इसको पूरी तरीके से फिर रिवाइज करूंगा। एक बार फिर से अभी भी समझा देता हूं कि विधि द्वारा आबद्ध होते हुए यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, किसी लोक सेवक ने कोई कार्य किया है, तो लोक सेवक के द्वारा किया गया वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि ए पुलिस ऑफिसर है जिसके नाम एक वारंट इशू है कि बी नाम के इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आना है, और वो गलती से यहां पर किसी और बी नाम के व्यक्ति को पकड़ कर ले जाता है, तो ये कब जो है यहां पर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। वो पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरीके से संरक्षित माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो धारा 76 की हेडिंग, ये आपकी धारा 76 की हेडिंग है, ठीक है। धारा 77 हम देखते हैं इसके बाद। धारा 77 कहता है कि एक्ट ऑफ जज धारा 77 धारा 77 जज द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है जब वह न्यायिकता कार्य कर रहा है। ये शब्द महत्वपूर्ण है, न्यायिकता कार्य कर रहा है। धारा 77 क्या कहता है कि जज द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जब वो न्यायिकता कार्य कर रहा है, ठीक है। न्यायिक रूप से कार्य करते हुए जज के द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, कैसे किसी व्यक्ति को डिस्पजेस करना है, इलीगल उसने प्रॉपर्टी को डिटेन कर रखा है। जब कोई व्यक्ति लीगल किसी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रखा है तो उस व्यक्ति को वहां से डिस्पजेस करना, किसी व्यक्ति को क्या कोई आम आदमी किसी व्यक्ति को किसी के घर से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि कानून ने उसे रहने के लिए आबद्ध किया, वहां पर कानूनी तौर से उसका अधिकार रहता है, रह सकता है वो व्यक्ति। लेकिन यदि कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को वहां से डिस्पजेस करने के लिए, हटने के लिए मजबूर करता है, हटने के लिए कहता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य न्यायिकता कार्य यानी जुडिशियल वर्क कर रहा है, वो जुडिशियल वर्क का मतलब ऑन ड्यूटी है, जिस समय वो बोर्ड पर बैठकर फैसले सुना रहा है, काम कर रहा है, वो समय माना जाता है कि न्यायिक कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। तो न्यायिकता कार्य करते हुए यदि जज द्वारा कोई कार्य कर दिया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए जज साहब काम कर रहे हैं और जज साहब ने काम करते हुए अपने न्यायिक कार्य के दौरान उन्होंने क्या किया है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दी, मृत्यु दंड फांसी की सजा सुना दी। तो मृत्यु दंड देने के बाद, मृत्यु दंड देना, इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया, तो क्या मृत्यु दंड देना अपराध की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यायिकता कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब कोई न्यायिक कार्य कर रहा होता है, कोई भी व्यक्ति मीन्स कोई जज जो शासन द्वारा नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है,
तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, धारा 76 और 77, उम्मीद करते हैं दोनों धाराएं आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, धारा 78 देखते हैं। धारा 78 ये कहती है, न्यायालय के आदेश या अनुसरण में न्यायालय के आदेश या अनुसरण आदेश या नहीं माफ कीजिएगा आदेश के अनुसरण में आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, यानी यदि न्यायालय ने कोई आदेश दिया है, कोई निर्णय दिया है, कोई फैसला दिया है, कोई किसी भी प्रकार के का आदेश जारी किया है न्यायालय ने कि वो कार्य किया जाए, तो यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कोई अधिकारी, कोई लोक सेवक, कोई पब्लिक सर्वेंट यदि न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जल्लाद क्या काम करता है, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है तो मृत्यु दंड जब दिया जाता है तो मृत्यु दंड कोई भी दंड जब दिया जाता है न्यायालय के द्वारा तो उस दंड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक आदेश पारित किया जाता है। उस आदेश में लिखा जाता है कि इसकी सजा को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से इसकी सजा को पूरी करना है। ठीक है, तो जब मृत्यु दंड की सजा को कंप्लायंस करना होता है, पूरा करना होता है, तो उसमें एक लाइन लिखी जाती है, हैंग टिल डेथ बाय नेक, गर्दन से तब तक लटकाए रखो जब तक इसके प्राण पखेरू ना उड़ जाएं। ठीक है, ये लिखा हुआ है जजमेंट में, लिखा जाता है, ये लिखा जाता है निर्णय में, ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, ये चीजें लिखी हुई हैं कानून में, रिटन में। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को गले से हैंग टिल डेथ, हैंग बाई नेक टिल डेथ, ठीक है, तो जल्लाद क्या करता है, आपने फिल्मों में देखा होगा बहुत, है ना, तो जल्लाद क्या करता है, उसको फांसी पे लटकाता है। तो जल्लाद द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है। मान लीजिए कोर्ट ने, कोई जगह है जो अतिक्रमण की गई थी, न्यायालय ने आदेश पारित किया कि अतिक्रमण की गई जमीन को जो है वो खाली कराया जाए, नगर निगम या मान लीजिए लोकल जो भी बॉडीज रहती है पुलिस के दलबल के साथ जाती है वहां पर, और वहां पर वो लोग पथराव कर देते हैं, परंतु जब पथराव कर देते हैं तो क्या होता है, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस फोर्स के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो लोक सेवक जिम्मेवार होगा, जी नहीं, वो लोक सेवक जिम्मेवार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो लोक सेवक न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा था और कार्य करते समय उसको बल का प्रयोग करने पर मजबूर किया गया। ठीक है, इसलिए यहां पर न्यायालय के आदेश के अनुसरण में यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो जल्लाद के द्वारा मृत्यु दंड का एग्जीक्यूशन करना, मृत्यु दंड को पूरा करना, ये एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, धारा 78। चलिए अब देखते हैं हम धारा 79। धारा 79 कहती है, विधि द्वारा न्यायनुमत होते हुए किया गया
कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर धारा 76 जब आप बता रहे थे तो धारा 76 में भी ये चीज मिली थी, कि धारा 76 में भी आपने कहा था विधि द्वारा आबद्ध। तो ध्यान रखिएगा, धारा 76 में जो लैंग्वेज है वो कहती है विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, और यहां पर विधि द्वारा न्यायनुमत, न्यायनुमत मीन्स जस्टिफाई हो, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा हो इट विल बी जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड होना चाहिए, न्यायनुमत होना चाहिए। और यदि न्यायनुमत है वो कार्य करना, न्यायनुमत का मतलब जो लीगली वैलिड हो काम करना, ठीक है, लीगली वैलिड हो आप काम कर रहे हैं। आप मान के चलिए, एग्जांपल समझिएगा कैसे लीगली वैलिड है, आपके की उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप मोटरसाइकिल चला रहे थे, बाकायदा आप नियम का पालन करते हुए चला रहे थे, और सपोज करिए उस सड़क से कोई बच्चा भागता हुआ चला रहा है और उससे आप क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है, तो क्या उस दुर्घटना के लिए आप जिम्मेवार हैं? नहीं। लेकिन कब? जब आप विधि द्वारा न्यायनुमत है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। कैसे है? आपके पास बाकायदा लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, आरटीओ द्वारा इशू किया हुआ, आप गाड़ी को बिल्कुल कंट्रोल में चला रहे थे, 20-25-30 की स्पीड थी, ठीक है, सारी चीजें आप बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहे थे, आप विधि द्वारा न्यायनुमत होते हुए विधि के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे थे, लॉ के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे थे, तो वहां पर जब आपके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, कोई दुर्घटना घट जाती है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है, आप उस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 80। दुर्घटना पूर्ण कार्य, ठीक है, धारा 80 हम देखेंगे कि विधि, माफ करिएगा, धारा 80 फिर से देखते हैं, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, ठीक है, धारा 80 की हेडिंग है विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। यदि कोई काम आप कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, लीगली आप वर्क कर रहे हैं, और यदि वो कार्य करते समय आपसे कोई दुर्घटना घट जाती है तो आप उस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे, आपको उस घटना के लिए, उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, ये जो है कुल्हाड़ी से काम कर रहे थे, कुल्हाड़ी से लकड़ी का काम कर रहे थे, लकड़ी को काट रहे थे, तो इन्होंने यदि उस कुल्हाड़ी को से जहां पर काम कर रहे थे वहां पर कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे थे, और यदि इन्होंने कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते समय यदि बच्चों को वहां से हटने के लिए वार्निंग दी है, ठीक है, और अपनी कुल्हाड़ी का जो फल है, मीन्स जो लोहे का हिस्सा होता है जिसे काटा जाता है उसको फल कहते हैं, तो वो जो हिस्सा होता है उस हिस्से को उन्होंने सही तरीके से रखा है, लगाया हुआ है, और प्रॉपर केयर और कॉशन पूरी तरीके से सावधानी के साथ इन्होंने कार्य किया है, कौन ने? ए महोदय ने। और सावधानी से कार्य करते समय यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय वो दुर्घटना जो है किसी भी प्रकार से उस दुर्घटना के लिए यहां पर ए जो है वो जिम्मेवार नहीं होंगे, क्यों? इन्होंने क्या किया? विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे ये। लकड़ी काटना कोई क्या विधिपूर्ण कार्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चोरी की लकड़ी तो है नहीं कि साखू सागौन आप जंगल से साखू काट रहे हो, सागौन की लकड़ी काट रहे हो, ठीक है, ये चोरी नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए चोरी का कार्य कर रहे थे तो, और चोरी का कार्य करते समय आप दुर्घटना हो जाए, कहते साहब हमने पूरा जो है केयर और कॉशन ले रखा था कि घर वाले न जग पाए, पर अब घर वाले जग गए तो मेरे को मारना पड़ा,
ठीक है दोस्तों। तो यहां पर इस तरह की चीजें जो है वो नहीं ली जाती। यहां पर ये देखा जाता है कि कार्य हमारा कैसा था, विधिपूर्ण कार्य था या नहीं, और यदि विधिपूर्ण कार्य करते समय कोई दुर्घटना घट जाती है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पर आपके हिस्से पर प्रॉपर केयर और कॉशन होना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से आप सावधानी बरते हो। सावधानी यदि आपने नहीं रखी है तो फिर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, ठीक है। यदि आपने प्रॉपर केयर और कॉशन रखा है, पूरी सावधानी रखी है, तो आप उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे, ठीक है। चलिए धारा 80 समझ में आ गया। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य करते हुए किसी दुर्घटना को कारित कर देता है तो वो व्यक्ति उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, ठीक है। हमने आपको एग्जांपल दिया कि ए जो है वो कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटने का कार्य कर रहा था और वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। यदि उसने उन बच्चों को वहां से हटने के लिए आदेशित कर दिया हो, निर्देशित कर दिया हो, और वो अपनी कुल्हाड़ी का फल जो है प्रॉपर तरीके से लगाया हो और उस समय कार्य कर रहा हो, फिर भी उसकी कुल्हाड़ी का फल निकल कर किसी बच्चे को लग जाता है, किसी व्यक्ति को लग जाता है जो दूर खड़ा था, और किसी प्रकार का डैमेज होता है, उसको नुकसान होता है, उस डैमेज और नुकसान के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने आपको एक चीज बता दी कि प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 81। धारा 81 जो दिया गया है वो धारा 81 ये कहती है, धारा 81 के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, धारा 81 को अपने को ऐसे ही याद रखना है, क्या कि धारा 81 कहती है आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। कभी कभी ये सीधा सा ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता के सिद्धांत को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समाहित किया गया है, किस धारा में समाहित किया गया है, धारा 81 में आवश्यकता के सिद्धांत को समाहित किया गया है। आवश्यकता का सिद्धांत कहते किसे हैं, आवश्यकता के सिद्धांत का एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो मकान का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई मकान है, ठीक है, 10 मकान एक साथ लगे हुए हैं, ये मान लीजिए मकानों की एक श्रृंखला है बनी हुई है, ठीक है, ये कई सारे मकान हैं जो इनकी एक श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। ये श्रृंखला कहती है कि यहां पर किसी मकान में मान लीजिए आग लग जाती है और उस आग से फैलने के लिए, आग को फैलने से बचाने के लिए या तो इधर का मकान यदि तोड़ दिया जाता है तो यहां पर उस भरपाई के लिए, उस नुकसान के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा, या जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वो व्यक्ति जो है वो अपराधी या दोषी या किसी भी प्रकार के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, ठीक है। आवश्यकता के सिद्धांत का, आवश्यकता का सिद्धांत यही कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक केस मैं बता देता हूं आपको, डेडली वर्सेस स्टीफेंसन, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, डेडले वर्सेस स्टीफेंसन, डेडले वर्सेस स्टीफेंसन, ये केस था जो प्रिवी काउंसिल द्वारा डिसाइड किया गया था। इसमें क्या हुआ था मैं आपको केस के एक फैक्ट बता देता हूं ब्रीफ में। ये दोनों व्यक्ति क्या थे, डेडले और स्टीफेंसन जो है, ये डेडले नहीं, स्टीफेंसन महोदय जो है, ये एक नाव लेकर निकले थे समुद्र में और गलती से दिशा सूचक यंत्र खराब होने के कारण जो है इनकी नाव वो भटक जाती कहीं पर, कई दिनों तक ये भूखे जो है समुद्र में टहलते रहते हैं। इनके साथ एक 12 साल का बच्चा रहता है, 12 साल का एक बच्चा रहता है जो है वो भी इनके साथ था, ठीक है। ये दो लोग थे तो ये इतने भूखे हो गए कि इन्होंने उस बच्चे को मारकर उनकी अतड़िया खा गए, बच्चे को मारकर उसका मांस जो है खा गए। और बाद में जब ये पाए जाते हैं, आते हैं, इनसे पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कार्य किया है। तो इनके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का जो है वो मुकदमा चलाया जाता है। जब धारा 302 का मुकदमा चलाया जाता है तो ये धारा 81 का डिफेंस लेते हैं, धारा 81 का बचाव लेते हैं, कहते हैं साहब आवश्यकता का सिद्धांत था, मुझे अपना जीवन बचाने के लिए उस बच्चे को मार के खाना पड़ा,
तो आवश्यकता का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि आप अपना जीवन बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर दें या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को ले लें। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि किसी आपकी किडनी खराब हो गई है तो आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति की किडनी निकाल लीजिए। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत ये नहीं कहता कि अपने जीवन को बचाने के लिए आप दूसरे के जीवन को खत्म कर दें या नष्ट कर दें। ठीक है, तो डेडले वर्सेस स्टीफेंसन के ये पहला केस था जिसमें आवश्यकता के सिद्धांत को माननीय प्रिवी काउंसिल ने जो है वो मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं धारा 82। धारा 82 कहती है, धारा 82 और 83 दो सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों दोस्तों, याद रखना है। 2016 के यूपीएसआई में ये प्रश्न पूछा गया है और इसके पहले जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी धारा 82 से प्रश्न पूछा गया था। धारा 82 की हेडिंग लिख लीजिए, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। क्या कहती है धारा 82 की हेडिंग कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। यानी कोई बच्चा है जो 7 वर्ष से कम आयु का है या एग्जैक्ट 7 वर्ष का है, ठीक है, और तो उसके द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, यानी 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा या बच्चे के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है 7 वर्ष का है या 7 वर्ष से कम आयु का है, उसके घर में लाइसेंसी बंदूक रखी हुई थी और वो बंदूक उठाता है और ट्रिगर दब जाता है उससे या दबा देता है और वो बंदूक जो है पिस्टल लोडेड थी और किसी को लग जाती है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उसको कोई डैमेज हो जाता है, नुकसान होता है, तो यहां पर वो बच्चा जो है वो किसी भी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, धारा 82 को एक और नाम से जाना जाता है, वो कहलाता है डोली इन कैपेक्स का सिद्धांत कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, ये ऐसे ही पूछा गया था कि डोली इन कैपेक्स के बारे में भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया, तो धारा 82 में प्रावधान किया गया है डोली इन कैपेक्स के बारे में। ठीक है, तो धारा 82 क्या कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम आयु का बालक। अब धारा 83 देखते हैं हम, धारा 83 भी इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना है। धारा 83 हम देखते हैं 7 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध कम आयु के शिशु के का कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, 12 वर्ष से ऊपर यहां पर एज को बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा, धारा 83 में एज जो थी उसको बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ा दिया गया हम आपको बता दें, यहां पर धारा 82 में हमने क्या पढ़ा 7 वर्ष से कम, यहां क्या कह रहे हैं 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु, माफ कीजिएगा यहां पर अपरिपक्व रहेगा, ठीक है, अपरिपक्व
शिशु का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कोई बालक है जो 7 वर्ष से ऊपर है लेकिन 12 वर्ष से कम है, लेकिन वो कैसा है, अपरिपक्व, इमेच्योर है, वो चीजों को समझ नहीं सकता, चीजों को समझता नहीं है। जैसे मान लीजिए, कैसे नहीं समझता है, यदि कोर्ट में वो जाता है, जज साहब उससे पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, वो कहता है साहब ये बंदूक है। बेटा इससे क्या होता है, इससे गोली चलती है, यदि कोई गोली चल गई तो क्या होगा, तो बोले साहब वो मर जाएगा, जिस व्यक्ति को गोली लगेगी वो व्यक्ति मर जाएगा। यहां पर क्या है, उस व्यक्ति की, उस बच्चे की मैच्योरिटी कैसी, क्या वो बच्चा मैच्योर है? नो, he is not immature, he is mature। क्यों? क्योंकि वो जो कार्य है या वो जो वस्तु है, उस वस्तु की उपयोगिता को समझ रहा है, वो जान रहा है कि ये बंदूक है और इसमें से जब गोली चलती है तो किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को वो गोली लगती है उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम इमेच्योर नहीं मान सकते, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मेच्योर। ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, वो नहीं जानता कि ये क्या है, इससे क्या काम होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो मैच्योर नहीं माना जाता, परिपक्व नहीं माना जाता है। यहाँ पर धारा 83 को बहुत अच्छे से याद रखना है हमको, एज ग्रुप हमें याद रखना है। धारा 82 और 83 में यही कंफ्यूजन होता है, धारा 82 और 83 में, तो एज ग्रुप ध्यान रखना। धारा 82 में हमने पढ़ा कि 7 वर्ष या उससे कम आयु के शिशु के जो आपका कार्य अपराध नहीं है। धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु का कार्य जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन सपोज करिए वो बालक परिपक्व है, तो क्या उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है? यस, उसके द्वारा किया गया कार्य वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 84। धारा 84, चित्त विकृति व्यक्ति का यानी कोई व्यक्ति चित्त विकृति है, चित्त विकृति का मतलब होता है पागल। ठीक है, यानी पागल व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, यानी चित्त विकृति, यानी पागल व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, कोई व्यक्ति पागल है उसके द्वारा कोई कार्य कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कोई पागल व्यक्ति है उसने कोई कार्य, क्यों? क्योंकि पागल व्यक्ति तो वैसे भी किसी भी कार्य को समझने में असमर्थ होता है, वो क्या कर रहा है, सही है, गलत है, कैसा है, तो वो सारे कार्यों को समझ पाने में, उसके परिणाम को समझ पाने में वो असमर्थ रहता है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपराध की श्रेणी में उसे नहीं रखा गया है। तो आज हमने जो मूल विधि में पढ़ा वो कहां तक पढ़ा, धारा 76 से लेकर धारा 84 तक का हमने अध्ययन किया है। धारा 76 से लेकर धारा 84 तक को आप पढ़िएगा, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कल एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सारी चीजों को फिर से रिवाइज करेंगे, और कल जो ये साधारण अपवाद का चैप्टर था इसको पूरा करेंगे, और इसके बाद कल हम जो है अपना जो आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है भारतीय दंड संहिता में, हम आत्मरक्षा के अधिकार के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।